सेम है नेक्स्ट इसी तरीके से फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स प्लस वन के एक्स प्लस वन व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल टू पाई एंड फॉर एक्स ग्रेटर देन पाई दिस इज गिवन टू बी कॉस एक्स and we are to check given that the function is continuous at x is equal to pi. So in the same way we will start, since f of x is continuous at x is equal to pi, so yahan pe pi from minus side, pi from plus side, to niche aapka ye change ho jayega. अब लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई फ्रॉम माइनस साइड यानी कि एक्स इज लेस देन पाई फॉर दैट जो हमारा फंक्शन है दैट इज के एक्स प्लस वन एफ ऑफ पाई इक्वल टू के लिए एक्स को पाई से रिप्लेस करोगे तो दिस विल बी के पाई प्लस वन एंड लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई फ्रॉम प्लस साइड पाई फ्रॉम प्लस साइड मीन्स एक्स इज ग्रेटर देन पाई तो दैट इज कॉस एक्स. अब के एक्स प्लस वन तो यहाँ पे पाई के या के पाई प्लस वन इक्वल टू के पाई प्लस वन ये दोनों जो वैल्यूज हैं आपकी सेम है. व्हाट वी आर लेफ्ट विद अब हमारे पास रह गया कॉस ऑफ एक्स तो एक्स को आप रिप्लेस करोगे कॉस ऑफ पाई से कॉस पाई यू नो दैट इज माइनस वन सो दिस इज के पाई इक्वल टू माइनस टू and k is equal to minus 2 upon pi. So k minus 2 upon pi ke liye this function is continuous at x is equal to pi. So this was your question. Now the next one that is also of same kind. If any doubt is there in this one, then you can ask for. Otherwise, same type आपकी चल रही है. अब next वाले में same है इसी तरीके से. F of x is equal to kx plus 1 when x is less than equal to 5 and when x is greater than 5. At that moment, we are having the function to be equal to 3x minus 5. तो अब x इज इक्वल टू 5 पे हमने उसको चेक करना है. सो यू कैन सी कि मैं सिर्फ इतना पोर्शन इरेज कर रही हूँ बाकी सब चीजें आपकी सेम आ रही हैं. सिर्फ जो स्टेटमेंट में वैल्यू गिवन है अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे रिप्लेसमेंट कर रहे हैं. तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 5 लिमिट x टेंड्स टू 5 फ्रॉम माइनस साइड f of 5 and 5 from plus side. 5 from minus side means x is less than 5. x less than 5 ke liye that is given to be kx plus 1. Fir equal to 5 ke liye again this is kx plus 1. To x ko aap 5 se replace karoge. So this will be 5k plus 1. And here limit x tends to 5 from plus side. x greater than 5 that is given to be 3x minus 5. x ko aap 5 put karoge. तो 5k plus 1 ये दोनों सेम हैं दोनों में से एक ले लेंगे एंड दिस इज इक्वल टू 5 3s आर 15 minus 5 दैट इज 10. तो यहां से हमारे पास आ गया 5k plus 1 इज इक्वल टू 10 यानी कि 5k इज इक्वल टू 9 एंड k इज इक्वल टू 9 अपॉन 5 इज योर आंसर. सो k 9 अपॉन 5 के लिए द गिवन फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5. सो ये आपका अननोन वेरिएबल था जिसको आपने फाइंड आउट करना है. अब नेक्स्ट हम लेके चल रहे हैं. नेक्स्ट वाले में दो अननोन्स लेंगे. यहाँ अभी तक हमने सिंगल अननोन के साथ किया है. सो इन द नेक्स्ट वन वी आर हैविंग फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी. ए और बी दोनों की वैल्यूज जो है वो आपने निकालनी है और फंक्शन आपको गिवन है. अब यहाँ पे भी अगेन एट एक्स इज इक्वल टू कुछ नहीं गिवन होगा तो जैसे हमने एक कल किया था क्वेश्चन अकॉर्डिंगली वी विल सी टू इट कि कौन कौन से पॉइंट पे हमें फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस गिवन है. सो हमें यहाँ पे गिवन है
This is the fourth question for today. Find the values of A and B. Find the values of A and B so that f of x is equal to 5 for x less than equal to 2, then for x greater than 2 and less than 10. This is given to be ax plus b, and for x greater than equal to 10, this is given to be 21. Aur saath mein hame given hai is a continuous function. So is a continuous function. Ab yahan pe aap dekhoge ki hame is continuous at x is equal to value nahi given hai. To agar wo hame nahi given, to is wale questions mein se hum usko khud nikal sakte hain. Continuous hai, ab hame check karna hai kaun kaun se points pe continuous hai. To x less than equal to x greater than, तीनों के लिए हमें गिवन है, यानी कि एक पॉइंट आ गया मेरा एट x इज इक्वल टू 2. f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2, और दूसरा पॉइंट कौन सा आएगा, x लेस देन 10, x ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो एट x इज इक्वल टू 10 ऑल्सो. तो 2 और 10 पे फंक्शन क्या है आपका, कॉन्टिन्यूस है. तो एट x इज इक्वल टू 2 हम पहले निकाल रहे हैं, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 फ्रॉम माइनस साइड, then f of 2, and then limit x tends to 2 from plus side f of x. Second hum nikal rahe hain at x is equal to 10, so f of x continuous at x is equal to 10, so again limit x tends to 10 from minus side f of 10, and limit x tends to 10 from plus side f of x. अब यहाँ पे x approaches 2 from minus side, यानी कि x less than 2 वाला लेके चलना है, तो that is given to be 5. f of 2 भी आपको 5 given है, and 2 from plus side x greater than के लिए this is given to be ax plus b. अब x को 2 से रिप्लेस कर दोगे, तो 5 इज इक्वल टू 2a प्लस b. इसको मैंने रीराइट कर लिया, 2a प्लस b इक्वल टू 5. ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई. अब सेकंड इक्वेशन मुझे यहां से मिलेगी, तो सेकंड इक्वेशन के लिए लिमिट x टेंड्स टू 10 फ्रॉम माइनस साइड f ऑफ x. 10 फ्रॉम माइनस साइड मींस x लेस देन 10, तो ax प्लस b ले लोगे. लिमिट x टेंड्स टू 10 फ्रॉम माइनस साइड, तो दिस इज ax प्लस b. This is equal to f of 10. Equal to 10 ke liye you are given this to be equal to 21, and x greater than 10 ke liye this is again given to be equal to, x greater than ke liye again this is 21. To jab is tarah se constant ka limit hai, to wahi constant value aap le lete ho, yani ki ye dono aapka 21 aa gaya. Yahan pe aap x ko 10 put karoge, to 10 a plus b ki value aa gayi aapki 21. So this is your second equation. अब इक्वेशन 1 और 2 को आप सिंप्लीफाई कर लोगे, एंड यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी. फर्स्ट इक्वेशन 2a प्लस b इक्वल टू 5, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे क्योंकि b का कोफिशिएंट सेम था, तो हमने डायरेक्ट ले लिया. सो दिस इज माइनस 8a इक्वल टू माइनस 16, तो a इज इक्वल टू 2. अब a की वैल्यू दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो. मैंने फर्स्ट में पुट की, तो यहां से सिंप्लीफाई करके b आ गया आपका 1. तो फॉर a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 1, द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस. सो इस तरह से 2 अननोन वेरिएबल्स हो गए आपके, और दैट वी हैव फाइंड आउट. If any of the doubts are there in this question, then you can ask for your doubt. Otherwise, next type ab hum kar rahe hain. Next me, I will send you the questions today. PDF, usme jo aapke marked ones honge, that you are to do. जिन पे पेन से टिक लगा होगा, दैट क्वेश्चंस यू आर टू डू.
सो द नेक्स्ट जो है क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख के आपने घबराना नहीं है. क्वेश्चंस सिंपल हैं, कंसेप्ट हर एक में आपका यही चल रहा है, तो ध्यान से करने हैं आपने. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग, चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन या एग्जामिन द फंक्शन फॉर द कॉन्टिन्यूटी, ये भी आ सकता है आपका. हमें फंक्शन जो है वो गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स अपॉन एक्स माइनस थ्री, एंड फॉर एक्स नॉट इक्वल टू थ्री and for x is equal to 3, this is given to be 5. Examine the continuity of the function. So, hame check karna hai whether the given function is continuous or not at x is equal to 3. अब इसमें जो है हमें, अगर मैं इसको देखूं तो x इज इक्वल टू थ्री पुट करने पे दिस इज 9 माइनस थ्री 6 माइनस 6 जीरो, और अपॉन में भी 3 माइनस 3 जीरो, जीरो अपॉन जीरो फॉर्म बन रही है. तो जब भी इस तरीके से डायरेक्ट वैल्यू पुट करने पे जीरो अपॉन जीरो फॉर्म बन रही होती है, तो दो तीन मेथड्स हैं उसको करने के लिए. हमने क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है या नहीं है. तो इसके फैक्टर्स बना लेने हैं हमने. अगर इसके फैक्टर्स बन रहे हैं तो फैक्टर्स बनाने के बाद न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर में से आपकी कुछ ना कुछ कटिंग हो जाती है, तो वो आपकी फिर वैल्यू पुट करने पे वो नॉन जीरो वैल्यू आपको देता है. तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मुझे सम चाहिए माइनस वन एंड प्रोडक्ट चाहिए माइनस सिक्स. तो सिक्स के फैक्टर्स अगर मैं लेके चलूं माइनस थ्री एंड प्लस टू, तो इसके फैक्टर्स जो है वो बन रहे हैं. तो हेयर वी विल गो फॉर द फैक्टराइजेशन. तो यहाँ पे एट x इज इक्वल टू थ्री, क्योंकि हमने चेक करना है, तो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, यहाँ पे थोड़ा सा एक और मेथड आपको मैं जो है वो बता दूंगी. पहले इसके फैक्टर्स बना लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स अपॉन एक्स माइनस थ्री, दिस कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स माइनस सिक्स अपॉन एक्स माइनस थ्री. सो दिस इज एक्स इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस टू इंटू x माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री आपका कॉमन आ जाएगा, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा. सो व्हाट वी आर लेफ्ट विद x प्लस टू, यानी कि अब मेरा जो फंक्शन है दैट हैज बीन रिड्यूस्ड टू, ये जो फंक्शन है मेरा दैट इज x प्लस टू फॉर x नॉट इक्वल टू थ्री एंड x इज इक्वल टू थ्री के लिए दिस इज गिवन टू बी. अब यहाँ पे जो है वैसे तो ये आपका डायरेक्ट भी हो जाएगा, बट एक और मेथड जो आगे आपका कई जो है क्वेश्चंस में यूज होगा, लाइक जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक करेंगे, क्योंकि हमें पता है अगर हम जो टी रेशियो है उसको पाई बाय टू माइनस एच लेके चलते हैं, तो दैट विल बी योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, वहां पे ऑल द टी रेशियोज आर पॉजिटिव. अगर आप उसको पाई बाय टू प्लस एच लेके चलते हो, यानी कि अगर आप उसको एक्स ग्रेटर देन पाई बाय टू के लिए ले रहे हो, तो पाई बाय टू प्लस एच सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए आपके फोर ऑफ द टी रेशियोज, जिसमें है आपका कॉस सेकेंड टैन एंड कॉट, वो चारों के चारों आपके नेगेटिव होते हैं. तो उस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम जो भी हमें वैल्यू गिवन होती है एट एक्स इज इक्वल टू ए, लेट अस सपोज हमें गिवन है, तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ए माइनस एच और राइट हैंड लिमिट के लिए ए प्लस एच लेके चलते हैं. तो सेम मेथड में आपको यहाँ पे करवा रही हूँ. लेफ्ट हैंड लिमिट हम लेके चल रहे हैं, अब एक्स नॉट इक्वल टू थ्री है, यानी कि एक्स की वैल्यू स्लाइटली थ्री से लेस एंड स्लाइटली थ्री से बड़ी हो सकती है. लेफ्ट हैंड लिमिट मीन्स स्लाइटली लेस देन थ्री. तो लिमिट x टेंड्स टू थ्री, यहाँ पे आप उसी तरीके से लिखोगे. अब यहाँ पे हम f ऑफ x की वैल्यू पुट करेंगे. f ऑफ x क्या है हमारा, रिड्यूस करके दैट इज x प्लस टू.
अब यहां हमने क्या करना है, जो हमें लिमिट यहाँ गिवन है x को हमने दैट माइनस h से रिप्लेस कर देना है। अभी हमारा x जो है वो 3 फ्रॉम माइनस साइड हम लेके चल रहे हैं, तो 3 फ्रॉम जब माइनस साइड है ये नेगेटिव हम यहाँ ले लेंगे और इसमें से h सब्ट्रैक्ट करेंगे, वेयर h इज सच अ स्मॉल क्वांटिटी दैट इट अप्रोचेस 0। तो ये जो है हमारा दिस विल चेंज टू लिमिट h टेंड्स टू 0, x को हमने रिप्लेस कर दिया 3 माइनस h से एंड प्लस 2 ये एज इट इज। सिर्फ इस x को जो भी आपका यहाँ पे वैल्यू को अप्रोच कर रहा होगा, यानी कि जिस पॉइंट पे आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है आप उससे रिप्लेस करोगे, प्लस कर दोगे इसमें जो आपको प्लस या माइनस साथ में गिवन है। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करो इसको, जब आप h को 0 पुट करोगे तो दिस विल बी इक्वल टू 5। जब आप राइट हैंड लिमिट ले रहे हो, इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैं सिर्फ मेथड समझाने के लिए इस तरीके से करवा रही हूँ। जब आप राइट हैंड लिमिट लोगे तो यू विल बी हैविंग x अप्रोचेस 3+। अब 3+ मींस x स्लाइटली राइट हैंड साइड पे है 3 के, तो अगेन यहाँ पे आ जाएगा आपका नॉट इक्वल टू, यानी कि एक्स प्लस टू। अब अगेन एक्स है और 3+ है, तो आप इसको 3+h से रिप्लेस करके लिमिट एच टेंड्स टू 0 बना दो। सो अगेन एच को जब आप 0 पुट करोगे दिस विल बी इक्वल टू 5, और एफ ऑफ 3 आपको ऑलरेडी 5 गिवन है, तो इट मींस योर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ 3। तो ये तीनों आपके क्योंकि इक्वल आ रहे हैं तो जो आपका फंक्शन है दैट विल बी कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 3। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चेक द कॉन्टिन्यूटी या डिटरमिन द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट के। के की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। फाइंड के फॉर विच द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो आपने सिंपली जो है ये ध्यान रखना है कि अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हो तो एक्स को रिप्लेस कर दो ए माइनस एच से एंड एच अप्रोचेस 0, यानी कि जहां जहां आपका एफ ऑफ एक्स में एक्स होगा उस एक्स को आप रिप्लेस करोगे ए माइनस एच से और एच अप्रोच करेगा आपका 0 को। और जब आप प्लस साइड पे जा रहे हो, कल आपको मैं इस तरह के क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करवाऊंगी, अभी फिलहाल जो बीच में रह गए हैं दो तीन वो कर रहे हैं। सो जब आप ए प्लस ले रहे हो, राइट हैंड लिमिट ले रहे हो, तो हेयर अगेन एच अप्रोचेस 0 और आपका ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच से। राइट हैंड लिमिट के लिए यू विल रिप्लेस दैट विद ए प्लस एच, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यू विल रिप्लेस दैट विद ए माइनस एच। बाकी जो प्रोसीजर है सेम वे में, जैसे आप सिंप्लीफाई करते हो इन द सेम वे यू विल सिंप्लीफाई। सो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू √1 KX माइनस √1 KX अपॉन एक्स इफ एक्स लाइज बिटवीन -1 to 0 एंड दिस इज इक्वल टू 2X+1 अपॉन X-1 If x lies between 0 to 1। तो जहां पे इस तरह के क्वेश्चन हैं तो हमें साथ में गिवन नहीं होगा इज कॉन्टिन्यूअस एट, तो आपको निकालना पड़ेगा। हमें सिर्फ अगर यहाँ पे लेट अस सपोज कि ये गिवन है इज कॉन्टिन्यूअस, तो हमें निकालना पड़ेगा कि किस पॉइंट पे ये कॉन्टिन्यूअस है। तो फॉर दैट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है बट एक्स लेस देन -1 के लिए फंक्शन नहीं गिवन है, यानी कि एट एक्स इज इक्वल टू -1 हम कॉन्टिन्यूटी को चेक नहीं कर सकते।
एक्स लेस देन जीरो गिवन है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो गिवन है, यानी कि जीरो के लिए सब कुछ गिवन है, तो एट एक्स इज इक्वल टू जीरो हम इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक कर सकते हैं। एक्स लेस देन इक्वल टू वन के लिए गिवन है, एक्स ग्रेटर देन वन मिसिंग है, तो एक्स इक्वल टू वन पे कॉन्टिन्यूटी चेक नहीं कर सकते। यानी कि मुझे एक तरह से स्टेटमेंट में क्या गिवन है, आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के व्हेन एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो इन केस अगर आपको एट एक्स इज इक्वल टू वाला ये पार्ट नहीं गिवन है तो आप खुद यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। तो मेरा फंक्शन ये रिड्यूस हो गया कि मुझे कॉन्टिन्यूअस गिवन है फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब जब इस तरह का क्वेश्चन है जहाँ पे मुझे एफ ऑफ एक्स एक्स लेस देन जीरो के लिए फंक्शन गिवन है, एक्स ग्रेटर देन के लिए गिवन है, तो वहां पे आप ए माइनस एच और ए प्लस एच वाला कंसेप्ट नहीं भी लगाओगे डायरेक्ट जैसे अभी तक हम करते आ रहे थे, तो दैट विल बी फाइन। सो यहाँ आप लिखेंगे सिंस एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो कॉन्टिन्यूटी आप एक फंक्शन की तभी निकाल सकते हो जब आपको फंक्शन लेस देन के लिए भी गिवन है और ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए भी गिवन है फॉर सम स्पेसिफिक वैल्यू। At x is equal to 0, limit x tends to 0 from minus side, f of 0 and limit x tends to 0 from plus side, f of x. अगर ये तीनों equal, क्योंकि function continuous given है, तो ये तीनों equate कर दोगे। अब x tends to 0 from minus side means x is less than 0, तो for that we are to go for this function. So that is root 1 plus kx minus root 1 minus kx अपॉन एक्स, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो। इक्वल टू जीरो के लिए यहां पे आप पुट करोगे टू इंटू जीरो प्लस वन दैट इज वन, और जीरो माइनस वन दैट इज माइनस वन, तो दिस इज इक्वल टू माइनस वन, और इधर से लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो फ्रॉम प्लस साइड, तो एफ ऑफ एक्स टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन, ये सेम आ जाएगा ये दोनों वैल्यूज, क्योंकि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए आपको ये गिवन था, तो ये दोनों वैल्यूज आपकी हो गई इक्वल टू माइनस वन। अब हमने इस पार्ट को सॉल्व करना है। अब अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट अगर एक्स को जीरो पुट करती हूँ तो ये बन जाएगा वन प्लस जीरो दैट इज वन, रूट वन इज वन, ये भी सेम वन माइनस वन न्यूमिरेटर जीरो, एक्स को जीरो पुट किया डिनोमिनेटर जीरो, तो न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर जीरो अपॉन जीरो फॉर्म। तो जीरो अपॉन जीरो फॉर्म में एक प्रीवियस क्वेश्चन में हमने मेथड किया था फैक्टराइजेशन, अब इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, यानी कि जब भी आपको फंक्शन ऐसे रूट की फॉर्म में गिवन है वहां पे आपने जीरो अपॉन जीरो फॉर्म पे क्या करना है, उसको रैशनलाइज कर देना है। तो रैशनलाइजिंग द न्यूमिरेटर, डिनोमिनेटर को नहीं करना, रूट वाली टर्म को आप करोगे तो ये बन जाएगा आपका, और माइनस वन साथ में चलता जाएगा। सो दिस विल बी लिमिट x टेंड्स टू जीरो फ्रॉम माइनस साइड, में यहाँ पे हटा रही हूँ क्योंकि फंक्शन में पुट कर चुकी हूँ, सो वन प्लस के एक्स माइनस वन माइनस के एक्स अपॉन एक्स, ये एज इट इज, और रैशनलाइजिंग फैक्टर हो गया इसका वन प्लस के एक्स, माइनस था तो प्लस बना दिया, अपॉन में सेम चीज वन प्लस के एक्स प्लस रूट वन माइनस के एक्स, और ये माइनस वन साथ में चलता जाए। अब ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वन प्लस के एक्स का स्क्वायर यानी कि रूट हट जाएगा, माइनस वन माइनस के एक्स का स्क्वायर अगेन रूट हट जाएगा, अपॉन में एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो लेना ही लेना है, और अपॉन में ये एज इट इज, रूट वन प्लस के एक्स प्लस रूट वन माइनस के एक्स, दिस इज इक्वल टू माइनस वन, ये दो माइनस वन की जगह मैंने एक के इक्वेट कर दिया। अब सिंप्लीफाई कर लोगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो वन प्लस के एक्स, अब यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशंस हैं, नथिंग एल्स, x into root 1 plus kx plus root 1 minus kx, plus 1 minus 1 numerator में से cancel out होके 2kx रह गया हमारे पास, ये equal to minus 1, upon में x root 1 plus kx
प्लस रूट वन माइनस के एक्स। अब ये एक्स और ये एक्स भी कट गया, सो क्या रह गया, टू के अपॉन रूट वन प्लस के एक्स प्लस रूट वन माइनस के एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। अब लिमिट जो आपका x जीरो है वो पुट कर दोगे, सो वी विल बी लेफ्ट विद 2k अपॉन x को जीरो पुट करोगे, ये जीरो रह के वन आ जाएगा, रूट वन इज अगेन वन, यहाँ पे भी रूट वन इज अगेन वन, तो डिनोमिनेटर में वी आर हैविंग वन प्लस वन दैट इज टू एंड दिस इज इक्वल टू माइनस वन, तो ये टू और टू कैंसल आउट होके k की वैल्यू क्या आ गई आपकी माइनस वन। सो फॉर k इज इक्वल टू माइनस वन द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू जीरो। तो जहां पे जीरो अपॉन जीरो फॉर्म बन रही है, अगर तो फैक्टराइजेशन पॉसिबल है फैक्टर्स बना के, जो आपका जिसके कारण जीरो आ रहा था उसको एलिमिनेट कर दो, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया, x माइनस थ्री हमारा कैंसिल आउट हो गया था। जहां पे रूट वाली फॉर्म आ रही है, रूट वाली फॉर्म में आपने हमेशा रैशनलाइजेशन प्रेफर करनी है। रैशनलाइजेशन से क्या होगा, आपका जो डिनोमिनेटर है वो नॉन जीरो बन जाएगा, जैसे यहाँ पे ये टू बन गया सिंप्लीफाई करने के बाद, एंड देन यू कैन फाइंड आउट द जो भी आपकी अननोन क्वांटिटी है दैट यू कैन फाइंड आउट। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, now we have to check whether the given function is continuous at x is equal to 0 or not. f of x हमें given है, साइन ऑफ ए प्लस वन इन टू एक्स, इन केस अगर ये नहीं हुआ तो स्टेटमेंट नोट कर लो बिकॉज वी आर हैविंग थ्री मोर मिनट्स, तो अगर एक साइड भी इसकी डिस्कस हुई तो बाकी हम कल कर लेंगे। एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सच दैट the function f of x defined by, तो f of x हमें यहाँ पे given है, this is equal to sin a plus 1 into x plus 2 sin x upon x for x less than 0, for x is equal to 0 we are given this to be equal to 2, and for x greater than 0 the function is given to be root 1 plus bx minus 1 upon x. Given that this is continuous at x is equal to 0, is continuous at x is equal to 0. So since f of x is continuous, at x is equal to 0, therefore left hand limit is equal to f of 0 is equal to right hand limit. अब अगेन क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शंस हमें अलग गिवन है, तो 0 माइनस एच 0 प्लस एच फॉर्म हम नहीं ले रहे हैं, डायरेक्टली वी आर टेकिंग। अब इनको मैं अलग अलग करके लिख सकती हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, दिस विल बी साइन ऑफ ए प्लस वन इन टू एक्स बाय एक्स प्लस टू साइन एक्स बाय एक्स, और लिमिट क्या है एक्स टेंड्स टू 0। तो इस तरह का क्वेश्चन आपने किया हुआ है, एफ ऑफ जीरो मुझे गिवन है 2 और राइट हैंड लिमिट मुझे गिवन है रूट वन प्लस बी एक्स माइनस वन अपॉन एक्स।
यहाँ पे वी नो दैट लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स दैट इज इक्वल टू वन. अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, ए प्लस वन, तो ए प्लस वन से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर देंगे इसको. अब ये पूरा चेंज हो जाएगा आपका वन में, ये अपॉन में जो ए एक्स प्लस वन था, दिस इज वन अपॉन वन बाय ए प्लस वन, ये ऊपर न्यूमिरेटर में चला जाएगा, कांस्टेंट है तो लिमिट से बाहर ले लिया. अगर एक्स जीरो को अप्रोच कर रहा है तो ए प्लस वन इंटू एक्स भी जीरो को अप्रोच करेगा, तो साइन ऑफ ए प्लस वन इंटू एक्स अपॉन ए प्लस वन इंटू एक्स, ये पूरी वैल्यू जो है आपकी क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी. प्लस लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स, दिस विल बी इक्वल टू वन. तो यहाँ पे अकेला टू रह जाएगा आपका, एंड दिस इज इक्वल टू टू एंड दिस इज इक्वल टू. अब यहाँ पे ध्यान दो, वन प्लस बी एक्स, अगर मैं एक्स को डायरेक्टली जीरो पुट करती हूँ, ये टर्म जो है बी एक्स ये जीरो हो जाएगी. व्हाट आई एम लेफ्ट विद, वन माइनस वन, न्यूमिरेटर जीरो डिनोमिनेटर जीरो, तो जीरो बाय जीरो फॉर्म. तो इसके लिए आपने क्या करना है, इसको रैशनलाइज करके करना है. यहां से मुझे क्या मिल गया, ए प्लस वन प्लस टू यानी कि ए प्लस थ्री, इज इक्वल टू टू इक्वल टू. अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, यहां से मुझे बी के साथ एक जो है एक्सप्रेशन मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे ए के साथ मिला है, तो इन दो को लेके आई विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए. और यहाँ जो बी का एक्सप्रेशन आएगा, इसको रैशनलाइज करके सिंप्लीफाई करने के बाद टू के साथ उसको लेके आई विल गेट द वैल्यू ऑफ बी, तो वहां से आपको आंसर मिल जाएगा. ए आ जाएगा माइनस वन, तो दिस पार्ट यू आर टू कंप्लीट योर सेल्फ, नहीं हुआ तो वी विल डिस्कस इस टूमोरो. यहाँ पे आपने रैशनलाइज करके करना है, जो यहाँ पे एक्सप्रेशन आएगा इक्वेट दैट इक्वल टू टू पुट करो उसको, एंड देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बी. इन केस अगर आपका बी एलिमिनेट हो जाएगा, तो इट मींस कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ बी दिस विल बी कॉन्टिन्यूअस. सो दिस पार्ट यू आर टू कंप्लीट योर सेल्फ, एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो ए माइनस एच और ए प्लस एच वाली फॉर्म है, तो दैट वी विल डिस्कस टूमोरो. इफ एनी डाउट इज देयर फ्रॉम टूडेज लेक्चर, देन यू कैन